गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में अपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है पहला तो ये देखना पड़ता है कि मैग्नेट फ्लग कॉज क्या है मैग्नेटिक फील किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है फील्ड एक तो आपके करंट के कारण प्रोड्यूस होता है और एक उसके मैग्नेटिक पोल्स के कारण प्रोड्यूस होता है ठीक है पोल्स के कारण प्रोड्यूस होता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ होती है नॉर्थ पोल से अवे होती है साउथ पोल के टुवर्ड्स होती है हमेशा इस बात का ध्यान रखना अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते हो तो वैसे मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस बात का ध्यान रखना ठीक है लेकिन इफ पॉसिबल देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ पोल एंड इफ पेयर ऑफ पोल्स वी हैव देन इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड नाउ देन वी हैड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी उसमें आपको राइट हैंड थंब रूल को काम में लेना पड़ेगा ठीक है जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा लॉरेंस फोर्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी के? लगाता है क्या या फोर्स लगाता है तो कितना लगाता है ये सब जो हम आज वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये देखो आप यहाँ पे लॉरेंस फोर्स क्या होता है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कस करते हो ठीक है ना कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ठीक है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास है कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है क्यू तो नेट उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा ये होगा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ठीक है एफ ई तो इसी तरीके ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स हो गया और इसी तरीके से हमारे पास किसके लिए फोर्स अवेलेबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फोर्स अवेलेबल है ठीक है अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाले फोर्स को आप क्या कहते हो लॉरेंस फोर्स कहते हो ठीक है ना फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू मैं डायरेक्ट क्यू लिख देता हूं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू इन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी बी मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा ये होगा एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी ये आपका लॉरेंस फोर्स है ठीक है ये आपका लॉरेंस फोर्स है वैसे एक बात अगर देखा जाए तो लॉरेंस फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों प्रेजेंट हो उसके अंदर लगने वाला जो ओवरऑल फोर्स है ना उसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो जाए तो वहां पर मैग्नेट फील्ड रहेगा अकेला तो उसको भी हम लॉरेंस फोर्स ही कहेंगे ठीक है ना उसके लिए भी कोई अलग से नाम नहीं है वो भी लॉरेंस फोर्स ही होगा तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ एम एफ एम इज रिप्रेजेंटेशन देन वी हैव क्यू इन टू वी क्रॉस बी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल यू कैन से वी इज ए वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू क्यू की वेलोसिटी होगी वी ठीक है अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे क्या देख रहे हो वी क्या है वैक्टर क्वान्टिटी है उसके ऊपर लगा हुआ है बी क्या है ये भी वैक्टर क्वांटिटी उसके ऊपर लगा हुआ है और यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट है मीन यहां पर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी आएगा और आपको पता है फोर्स क्या होता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है ठीक है अब एक इसके ऊपर आप देखो इसके ऊपर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रखा है ये ये कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू क्यू चार्ज पार्टिकल पे ठीक है तो ये हो गया एफ ई इज इक्वल टू क्यू इन टू इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप तो इसके लिए क्या होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वैक्टर क्वान्टिटी एंड एफ फोर्स फोर्स इज ऑल्सो वैक्टर क्वान्टिटी अब इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे जगह ऐसे प्लेस में रख रहे हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो वहां पर ओवरऑल फोर्स क्या होगा नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहां पे नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज क्यू के ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा आपके पास एफ इज इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ एम ओके एफ ई प्लस एफ एम और यहां पर आपको पता है एफ ई e कितना होगा एफ ई e की वैल्यू है क्यू इन टू ये क्या है सारे वेक्टर्स होंगे इस बात का ध्यान रखना ठीक है ना एफ इक्वल टू क्यू इन टू ई प्लस एफ एम इक्वल टू कितना क्यू वी क्रॉस बी क्यू वी क्रॉस बी आगे देखो अब क्यू को कॉमन ले लो यहां से ये आ जाएगा ई प्लस वी क्रॉस बी ठीक है ना ये आपके पास क्या हो गया ये आपके पास नेट लॉरेंट फोर्स की वैल्यू हो गई किसी भी चार्ज पार्टिकल पर आउट कर लिया ना अब इसके बाद पूरा इसी के ऊपर चलेगा ठीक है अब ये क्या है लॉरेंस फोर्स है अब यहां पर हम एक कंडीशन ले, ले लेते हैं कंडीशन क्या लेते हैं सपोज इन दिस केस सपोज वी हैव इक्वल टू जीरो अगर इलेक्ट्रोफिल एबसेंट है वहां पे इलेक्ट्रीफिल है ही नहीं या फिर जीरो है तो इस वैल्यू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दिस एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू जीरो प्लस वी क्रॉस बी क्यू इंटू जीरो प्लस वी क्रॉस बी ओके तो ये क्या हो जाएगा क्यू जीरो एज इट इज आएगा और ये हो जाएगा वी क्रॉस बी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो नेट फोर्स लगने वाला इसके केवल और केवल मैग्नेटिक के फील्ड इक्वल आ जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स कितना है केवल ठीक है ये मैग्नेटिक फोर्स जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है ना इसके आगे हम देखते हैं आगे तो डायरेक्शन तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या है अब यहां पे डायरेक्शन किस किस पर डिपेंड करेगी यहां पर जो जो उन पर डिपेंड करेगी ठीक है कौन कौन है एक तो है वेलोसिटी दूसरा कौन है मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा खुद रिजल्ट क्या देता है वेक्टर रिजल्ट देता है यानी कि उसकी भी डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन क्या होगी आपको अपने आप ही पता चल गया अगर यहां से आप अगर यहां से आप इसकी एफ की डायरेक्शन अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो कैसे आएगी देखो आप इस तरीके से देखो ये सपोज कोई वेलोसिटी है ठीक है और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी है वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसके बीच में सपोज कोई एंगल होगा थीटा और अब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है यानी वी क्रॉस बी यानी मीनस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी v क्रॉस b और इसकी डायरेक्शन तो आप राइट हैंड थंब रूल से निकालते हो क्या कि वेलोसिटी से यानी फर्स्ट वेक्टर से अपने फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करो ठीक है और जो आपका थंब जिस डायरेक्शन में रहेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी यानी v क्रॉस b की डायरेक्शन ये होगी ठीक है ना तो ये अपने पास क्या आ गया f की डायरेक्शन आ गई अब इस एफ की डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना आ आगे एक इजी वे में बताना पड़ेगा इजी वे में कैसे होगा एक तो ये हो गया कि राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल ओके अब ये रूल कहां से आया ये रूल जो आपने इलेवंथ क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था वेक्टर्स का उससे आपके पास ये रूल आ गया कि राइट एंड थम रूल से आप एफ की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो अब इस एफ की डायरेक्शन के बारे में आप कुछ कमेंट भी कर सकते हो क्या यस yes. कैसे आपको पता है इस वी क्रॉस बी की डायरेक्शन यानी इस पूरे सिंगल टर्म की डायरेक्शन अब ये सिंगल टर्म क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद इस टर्म की डायरेक्शन किधर होगी हमेशा इस V के और B के परपेंडिकुलर होगी कैसे जैसे मान लो ये आपके पास V है इस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स के डायरेक्शन में मैंने इसको रोटेट किया किस डायरेक्शन में मैग्नेट फील्ड के डायरेक्शन में और अब सामने क्या बना रहा है ये थम आ रहा है अभी थम हमेशा क्या कर रहा है अपने पास बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है किसकी डायरेक्शन को इस दो के रिजल्टेंट की डायरेक्शन को ठीक है तो इनका रिजल्ट से क्या मिल रहा है हमें फोर्स मिल रहा है तो ये डायरेक्शन किसकी होगी फोर्स की तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा

अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो आप इसको क्या सोल्व करके लिख सकते होगा हो क्या आगे लिख सकते हो तो इसका अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो क्या आएगा एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर विद मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वैक्टर ये आ जाएगा इसका ठीक है ना दोनों के प्रोडक्ट का साइन थीट एंगल जो होगा वो इसके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा अब ये हो गया अब इसको एक और इजी वे में भी समझ सकते हो इसको समझने के लिए आपको फ्लेमिंग्स ने एक अपना रूल दिया था जिसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ठीक है ये क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल एक बात का ध्यान रखना फ्लेमिंग्स के जो लेफ्ट हैंड रूल है ना वो एक फ्लेमिंग्स का दो रूल है एक तो लेफ्ट हैंड रूल है एक राइट हैंड रूल है ठीक है लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा लेफ्ट हैंड रूल हमें होगा किसी भी करंट कैरिंग वायर पे या मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा ठीक है करंट कैरिंग चार्ज करंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताएगा

एक तो थम होना चाहिए है ही फिर है अपने पास इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर के बाद फिर है अपने पास मिडिल फिंगर ठीक है अब ये जो तीनों है इनको आपके ऐसे अरेंज करना है कि आपस में क्या हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है ये देखो ये अपना लेफ्ट हैंड है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ठीक है अब देखो यहां पर ये थम हो गया एक बार ठीक है ये थम है और इस थम के परपेंडिकुलर कौन है ये है इंडेक्स फिंगर है और इस इंडेक्स फिंगर के परपेंडिकुलर कौन है ये आ गई आपके पास मिडिल फिंगर आ गई ठीक है अब इस मिडिल फिंगर ठीक है और ये थम ये दोनों ही क्या हो जाएगी ये दोनों आपस में फिर से परपेंडिकुलर है तो ये आपका पूरा सिस्टम बन गया ठीक है ये बहुत काम आता है कई बार काम आ जाता है ये स्ट्रक्चर जो है लेकिन अभी हमारे पास क्या आएगा फ्लैमिंग के लेफ्ट एंड रूल को रूल रिप्रेजेंट करने के लिए काम आएगा ठीक है देखते हैं देखो फ्लैमिंग्स लेफ्ट एंड रूल पर आप ये देखो लेकिन हा इसके लिए एक कंडीशन और है इसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई ये जो बी है और वी है वी एंड बी ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर होने चाहिए ये दोनों अगर परपेंडिकुलर तभी तो ये स्ट्रक्चर बन पाएगी तभी फ्लैमिंग्स का रूल सेटिस्फाई हो पाएगा कंडीशन जो है ठीक तो है तो अब इसमें देखो क्या होता है अगर ये वाला रिप्रेजेंट करेगा आपका थम रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को तो मैं लिख दू यहां पे ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा इन ये आपकी इंडेक्स फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी एम फील्ड लिख दिया मैंने एक बार ऐसे ही ठीक है और मिडिल फिंगर जो है सबसे बड़ी वाली फिंगर है ठीक मतलब है ना तो अब यहां पे देखो एफ एम सी इसको आप कह सकते हो फादर इसको आप कह सकते हो मदर इसको आप कह सकते हो चाइल्ड फादर मदर चाइल्ड इसको लर्न करने का एक इजी तरीका हो गया अब आप देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उस डायरेक्ट जो गिवन डायरेक्शन होती है उनको काम में लेना आपको मैं ये मान के चल रहा हूं हमें इनिशियली वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस गिवन है अब वेलोसिटी क्या होती है वेलोसिटी को आप आपकी जो सबसे बड़ी वाली फिंगर है मिडिल फिंगर है इसकी डायरेक्शन में ले जाओ ठीक है वेलोसिटी अपने पास कौन सी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना तो हमने इसको यहां ले गए ठीक है अब कौन है मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ सेट करो ये चेंज नहीं होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन ऐसे ही है तो आपने इसको चेंज करने के लिए अपने हाथ को थोड़ा सा रोटेट किया तो यह तो वेलोसिटी हो गई ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बचा कौन अब यह थर्ड डायरेक्शन बच गई जो तीसरी डायरेक्शन है ये ही हो ये हो गई ये किसकी डायरेक्शन हो गई अब फोर्स तो लगने वाला फोर्स किधर हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन में आ गया बाहर की तरफ आ गया ठीक है ये तो हो गया हमने हमारे पास बाय यूजिंग लेफ्ट रूलैमिंग रूल को यूज करके हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ गई बी और वी दोनों के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में इस कंडीशन में ठीक है ना अब हम इसको एक बार अपना पहले वाला रूल यूज करते हैं कि भी दोनों अगर सेटिस्फाई होगा तो दोनों सही है वरना एक गलत है दोनों में ठीक है तो इसको हम अपने पुराने वाले कन्वेंशनल मेथड से यूज करते हैं देखे ठीक है कन्वेंशनल मेथड से क्या होगा देखो राइट हैंड थम रूल अब राइट हैंड एंड रूल अपना यह है फर्स्ट वेक्टर वेक्टर यानी यानी कि से कि बी की तरफ आप इनको रोटेट करो कर लिए रोटेट तो थम क्या हो गया थर्म विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक है तो ये आपका यहां पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब दोनों सही है अपना दोनों हमने जो भी लॉ यूज किए हैं वो सही है मैं इसको सोल्व करने के लिए कई सारे लॉज काम में लेता हूं लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है केवल दो लॉज ये काम ये याद रख लो आपका काम हो जाएगा फ्लैमिंग्स लेफ्ट एंड रूल भी स्पेशली करंट के लिए होता है लेकिन आपको पता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इट सेल्फ इज ए करंट तो दैट्स वाई वी हैव डिस्कस्ड दिस फ्लैमिंग्स लेफ्ट एंड रूल ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप चाहे आज ही लगा लो इसको ठीक है ना ये हमेशा काम में आने वाला है इसको एक बार सीख लो बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये वी बी एंड फोर्स की डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर एफ ये यहाँ पे नहीं है एक्चुअल में ये इसके साथ है ये भी परपेंडिकुलर एंगल है और ये भी परपेंडिकुलर एंगल है ये थोड़ा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा फिजिक्स में जितना विजुअलाइज आप कर पाओगे उतने ही ईजी आपके लिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है ना ये आपके लिए हो गया फ्लैमिंग ये सब ठीक है अब हम देखते हैं कि भाई कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसके ऊपर मोशन कितना होगा अगर मोशन होगा तो मोशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया मोशन किस तरीके से होगी ये देखना है, ठीक है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसके नोट्स उतार लो आप उसके बाद देखना ठीक है अब देखो हम हमने अभी लॉरेंस फोर्ड डिस्कस किया था अब हमारे पास है ये मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूं एक बार मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एक बात का ध्यान रखना ये हमारे पास क्या होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास जो भी डिस्कशन है चाहे मैग्नेटिक फील्ड का हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है हमारे पास हमेशा कभी भी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेशन बढ़ जाते हैं इसलिए अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक है तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बताए थे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक तो आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है ना ये आपके पास क्या हो गया दिस इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ठीक है अब यहां पे क्या है मोशन एक एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल है Q जिसका चार्ज है और ये क्या हो जाएगा वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है ठीक है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अब इसके अंदर मोशन क्या होगी ये चेक करना है अपने को ठीक है ना अब देखो यहां पे जैसे इसके अंदर हुआ इसके अंदर एंटर किया ये आपको ये आपका मैग्नेट मैग्नेट फील्ड फील्ड गया डायरेक्शन क्या है मैग्नेटफी है दूसरा तरीका क्या है हम डॉट्स यूज कर सकते हैं क्रॉस की जगह और डॉट्स यूज करते ही ये क्या हो जाएगा फिर आउटसाइड हो जाएगा ठीक है ना तो हम इनसाइड वाला देखते हैं इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड ठीक है अब देखो यहां पे ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और मैग्नेट फील्ड इधर है तो अपन राइट एंड थम रूल काम में ले लेते हैं ठीक है ना इजी रहेगा अपना बहुत बार पढ़ा हुआ आपका भी इसलिए देखो ये डायरेक्शन किसकी हो गई ये की डायरेक्शन हो गई ठीक है लगने वाला फोर्स किधर लगेगा ये की डायरेक्शन हो गई जैसे हमने इसको इधर रोटेट किया फील्ड की तरफ रोटेट किया तो अपना थम की डायरेक्शन किधर रहेगी ऊपर की तरफ रहेगी और जैसे ही थम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है आपको पता है कि फोर्स की की डायरेक्शन भी किधर है है ऊपर तरफ ही है, ठीक है ना तो जैसे ही इसके की तरफ रोटेट करने ही करेगा? ठीक है? फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या है वो तो हो गया एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस B. ये तो फोर्स का वैल्यू हो गई ठीक है इसका मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो जाएगा? Q, v, B, sin आ जाएगा बी साइन बाद क्या है इससे आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो अब जैसे वो यहां पे आया ये मैं इनिशियल पॉइंट ए मान लेता हूं एक्चुअल में अगर देखा जाए ना ये फोर्स यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है लेकिन मैं इस पूरी मोशन को इस फील्ड के अंदर ही कंसिडर कर रहा हूं इस बात का ध्यान रखना ठीक है थोड़ा सा वेरिएशन है ठीक है लेकिन मैंने आपको बता दिया है पॉइंट बी पर आ गया अब ये ऑब्जेक्ट ठीक है पार्टिकल अब जैसे बी पर आया तो यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है ये वेलोसि डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो यहां पर फिर से लो लगाओ ये वेलोसिटी होगी फर्स्ट वेक्टर फिर यहां से आप मैग्नेटी फील्ड की तरफ इनको फिंगर्स को रोटेट कर रहे हो ठीक है किया है कि नहीं क्या समझना जरूरी यही है और फिर इधर ये क्या किसकी डायरेक्शन आ गई ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई फोर्स हो गया मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई है तो फोर्स लगने वाला किधर आ गया ये इधर हो गया एफ ठीक है अब इसके बाद में क्या है जैसे ही फोर्स इधर लगेगा इसकी मोशन इधर स्टार्ट हो जाएगी ये इस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा ठीक है ये डायग्राम थोड़ा सा सर्कल नहीं बन पा रहा है चलो देखते हैं फोर्स इधर आ गया ना तो अब देखो यहां पे इस पॉइंट सी पर देखो आप दिस इज सी पॉइंट यहां पर आपको पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है ये यह है यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है ये ये डायरेक्शन हो गई अब इस पर देखो यहां पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में है इसमें देखो आप इसके लिए ये डायरेक्शन किसकी हो गई डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी ये वेलोसिटी डायरेक्शन हो गई ना मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर की तरफ है इसको अब इनको घुमा रहे हो तो बाहर की तरफ हो गया लेकिन आपको अंदर की तरफ रखना है तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और इसको रोटेट कराओ अंदर की तरफ तो ये मे... ये की डायरेक्शन रोटेट करा आपने ये मैग्नेटिकली डायरेक्शन में चला गया तो नीचे क्या आ गया मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी आपकी ठीक है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई यहां पर इस पॉइंट पर नीचे की तरफ एफ नीचे आ गया तो अब ये क्या करेगा नीचे की तरफ मूव करेगा और जैसे ही यहां पहुंचा ये इसके बाद ये वापस इधर फोर्स लगेगा और ये अपना सर्कल पूरा करेगा अब इसी सर्कल पर यह लगातार क्या करता रहेगा मोशन करता रहेगा सर्कुलर मोशन करेगा इस पर अब आपको पता है सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में नेट वर्क डन कितना होता है अगर हम बात करें नेट वर्क डन विल बी जीरो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क करेगा जीरो वर्क करेगा ठीक है ना अब इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ काम में ले सकते हो कैसे एक तो हो गया कि भाई सर्कुलर मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है सर्कुलर मोशन में तो वर्क डन जीरो दूसरा एक और कॉन्सेप्ट काम में आता है क्या वर्क डन इक्वल्स टू होता है आपके पास एफ डी एस कॉस थीटा डीएस इज ए डिस्प्लेसमेंट अब आप यहां पर टाइम से डिवाइड कर दो तो एफ डी एस ओवर टी

एफ बी इन टू जीरोक्वल टू कितना हो गया जीरो हो गया मैथमेटिकल भी आपने इसको प्रूव कर दिया कि इन मैग्नेटिक फील्ड नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज इक्वल्स टू जीरो हम देखते हैं आगे ये आगे काम कैसे करेगा ठीक है ये देखो ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई तो साइन थीटा थीटा इक्वल्स टू तो कितना है जीरो Uh, हां क्योंकि सॉरी थीटा इक्वल्स टू 90 क्योंकि मैग्नेट फील्ड इन साइड है और ये क्या है वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो ये नाइन्टी जैसी आई आपको पता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन नाइनटी साइन नाइनटी और ये हो जाएगा क्यू वी बी इन टू साइन नाइनटी की वैल्यू कितनी हो गई वन हो गई तो ये आपके पास क्यू वी बी आ गया लेकिन आपको पता है कि जैसे ही कहीं पर भी सर्कुलर मोशन होती है ना सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रिक फिगर सेंट्रिपिटल फोर्स भी एग्जिट होता है ठीक है ये तो इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स होगा जो इसको बाहर की तरफ ले जाएगा ठीक है तो और वो फोर्स कितना किसके बराबर होगा वो होगा सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर ठीक है और सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होगा याद करो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा एफ सी इक्वल्स टू एम वी अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये आपके पास सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू होती है इलेवेंथ क्लास में डेराइव करवाई हुई है आपको ठीक है ये आपको याद रखनी है हमेशा बहुत काम सेंट्रिपिटल फोर्स है यूनिवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है ये ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसके कारण एग्जिट होता है अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग एजेंसी होती है ठीक है और इसके ओपोजिट एक फोर्स होता है सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स वो क्या करता है वो इसी फोर्स को बैलेंस करता है इसी के इक्वल होता है तो इन दोनों फोर्स को हम क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि इस सर्कुलर पाथ पर मोशन करने के लिए ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए यानी दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ठीक है तो इन दोनों को इक्वल करो आप तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ मैग्नेटिक फील्ड यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है इक्वल्स टू एफ सी क्यू वीक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन आर एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट तो आपके सामने यहां पर क्या बचेगा v की वैल्यू क्या निकाल लो आप यहां से v की वैल्यू निकाल लिया आपने तो क्या आ गया ये q b आर अपॉन एम ओके और यहां से आप एक और वैल्यू निकाल लो क्या आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी इस आर को इधर ले आओ बाकी सब उधर ले जाओ एम वी अपॉन क्यू बी ये दोनों पार्ट समझ में आ गए आपके वी इज इक्वल्स टू क्यू बी पहले से है आर को इधर ले आए एम नीचे आ गया यार क्यू बी आर अपॉन एम आर की वैल्यू आपके पास कैसे आई आर को इधर ले आओ इन क्यू को नीचे ले जाओ तो एम वी अपॉन क्यू आ गया ये आपके पास वेलोसिटी एंड आ गया रेडियस आ गया अब देखो आपके पास क्या है यहाँ पे यहां पर हमें फाइंड आउट करना है इसका टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे अगर मैं आपको बताऊं टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता है टाइम इज इक्वल्स टू होता डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड ठीक है यहां पे हम स्पीड काम में ले रहे हैं स्पेशली स्पीड आएगा ये ठीक है अब देखो डिस्टेंस क्या होगी एक सर्कुलर पाथ को पूरा कंप्लीट करने के लिए डिस्टेंस कितनी होती है यहां से स्टार्ट किया और वापस यहीं पर आ गया तो ये डिस्टेंस टू पाई आर क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड होता है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को करने में कितना टाइम खर्च हो रहा है ठीक है रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम खर्च हो रहा है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड और स्पीड कितनी है v है इन दोनों में से कोई एक वैल्यू रख दो आप मैं यहां पे r की वैल्यू रख देता हूं टू पाई अपॉन वी इन आर ये रहा आर आर की आर की वैल्यू कितनी है एम अपॉन क्यू बी वी से वी कैंसिल आउट टू पाई एम अपॉन क्यूबी ये क्या हो गया ये आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की जब आ गई तो आप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी न्यू इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम पीरियड ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम पीरियड और वन अपॉन टाइम पीरियड इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी इसकी वैल्यू क्या इसकी आएगी इसकी वैल्यू आएगी क्यू बी अपॉन टू पाई एम ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई कि इतनी फ्रीक्वेंसी से रिवोल्यूशन पर सेकंड ये लगातार रिवॉल्व करता रहेगा इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में ठीक है अब इसके बाद क्या आ गया ये तो आपकी डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आ गई यहां पे आपको एक और टर्म मिल सकती है वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा ये ओमेगा है भाई ठीक है डब्ल्यू नहीं है ओमेगा इक्वल्स टू होता है टू पाई न्यू ट्वाइस पाई न्यू हो गया तो आप इसको वैल्यू प्लेस करके देखो ट्वाइस पाई इंटू क्यू बी अपॉन टू पाई एम टू पाई से टू पाई कैंसिल आउट आपके पास बच गया क्यू बी डिवाइडेड बाई एम इक्वल्स टू ओमेगा ये आपके पास क्या आ गई एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया ठीक है ये सारे तीनों फार्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है ये आ गया हमारे पास इसके ऊपर एक डिवाइस भी है इस प्रिंसिपल पे काम करने वाला तो ये सब आप ध्यान में रखोगे कि भाई एक किसी भी मैग्नेट फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको मोशन कैसी होती है उसकी मोशन सर्कुलर होती है क्योंकि सर्कुलर मोशन क्यों होती है क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इसी वजह से यहाँ पर नेट लगने वाला वर्क डन होने वाला वर्क डन भी कितना होगा जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड ने जीरो वर्क किया है किसके ऊपर पार्टिकल पे इसका मतलब यहां पर एक और रिजल्ट निकल के आता है क्या रिजल्ट निकल के आता है कि काइनेटिक एनर्जी में इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा ना तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और ना ही काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की डिक्रीज होगी जिस स्पीड से ये एंटर करेगा उसी स्पीड से लगातार रिवॉल्व करता रहेगा ये पार्टिकल ठीक है ना दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू एवरीवन बी सेफ स्टे होम ठीक है